वालेकुम तमाम यूट्यूबर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से आफियत से अपने फैमिली के साथ अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला खुश और आबाद ही रखे सबको और सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर करे और सबकी जायज़ मन्नतों को पूरा करे, आमीन। ये स्टार्ट हो गया हमारा वलीमा ब्लॉग। आज जो है तकरीब का जो है लास्ट डे है, माइयों भी हो गई, बारात भी, और आज माशाल्लाह से है वलीमा और फिर उसके बाद ख़त्म। बड़ा मज़ा आता है यार, हम लोगों को तो बहुत ही मज़ा आता है जब भी कोई ख़ानदान के इन लॉज में शादी आती है तो बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग। यकीन करें सारे गैदरिंग जो जमा होती है, हम नंदों की, देवरानियों की, सब एक साथ होते हैं, बहुत मज़ा करते हैं लोग। तो यहाँ हमारे कपड़े सबके हो गए रेडी, वो साबिया का है और ये मेरा है और ये जो है हिफ्सा का है और ये अंबिया का, और तैयारी हो चुकी है। अब हमें स्टार्ट कर रहे हैं रेडी होना, कपड़ों की सब प्रेस वगैरह कंप्लीट हो गई है मेरी, और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट व्लॉग सॉरी आगे व्लॉग कंटिन्यू ज़रूर करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो यहाँ हम आ गए हैं हॉल में, और हॉल जो था वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, और ये कहाँ कहलाया था, पोस्ट गार्ड, ये पोस्ट गार्ड पे था हॉल। और हॉल वाकई बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा उन्होंने अरेंज करा हुआ था, हॉल भी, खाना भी, सब चीज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी अरेंज करी थी उन्होंने। और यहाँ हो रही है दूल्हा और दुल्हन की एंट्री, जो कि हमारे टाइम पे नहीं होती थी। हमारे टाइम पे इस तरह नहीं होती थी, ऐसे नहीं होती थी जैसे अब होने लगी है। काफ़ी शूट होता है और एंट्री हो रही होती है इतनी देर तक, सब लाइट ऑफ होती हैं, मगर हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। सीधा सीधा दुल्हन और दूल्हा आ गए और कोई लाइट वाइट कुछ बंद नहीं होती थी। और मैं अगर अपने हस्बैंड से बोलती यार ये टाइम हमारे टाइम पे, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, तो कहते अच्छा ही नहीं होता था फालतू की चीज़ें। पहले के लोगों को शायद, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती थी और कुछ लोगों को वाकई में अच्छी लगती होंगी, यार ये हमारे टाइम पे क्यों नहीं था। तो बहुत ज़बरदस्त अच्छी अच्छी हैं। तो जी ये दोनों हैं साबिया और बेस्ट फ्रेंड अलेहा और कज़न्स। यहाँ एंट्री ख़त्म हो गई है, अब स्टार्ट हो रहा है खाना। यहाँ हमारी फैमिली टेबल पर सारे लोग बैठे थे, मैं उसमें नंदे नंदोई सारी बच्चियाँ कज़न्स ऐसे, और यहाँ खाना लग चुका था। खाने में था बीफ बिरयानी, लाइफ कढ़ाई, और आजकल इसका ट्रेंड बहुत चला हुआ है, मीठे में दूध दुलारी, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक तो मस्ट है, जो मस्ट है। चाहे यहाँ खाने के बाद हम लोगों के सिर्फ फ़ोटोज़ अटेंड बहुत हो रहे थे, क्योंकि हम लोग जितने भी सब जमा होते हैं ना ससुराल में शादी में, तो हम लोग तस्वीरों के बहुत ज़्यादा रहता है, तकरीबन जिसकी शादी उसको छोड़कर जो अपनी तस्वीरों में लगे हुए थे। और यहाँ जो ये रेहान है देवर हमारा, सबको बोला चलो चलो, क्योंकि हमारे जो मम्मियाँ ससुर थे वो सबको इस जगह बुला रहे थे वीडियो की, और हम लोग सब बचते हैं, तो हम लोग हाँ करें हाँ हाँ करके हम लोग निकल गए कि हम लोग निकल जाते हैं जल्दी। तो हम यहाँ से निकलना शुरू हो गए थे गाड़ियों के लिए, क्योंकि 12:15 हो चुके थे टाइम। तो ये साबिया की जो ड्रेस आप देख रहे हैं, इसकी कहानी मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, बहुत पुरानी है, और आप लोग ज़रूर कमेंट में मुझे याद दिलाइएगा तो मैं किसी ब्लॉग में बताऊँगी। और अब यहाँ से हम निकल चुके हैं गाड़ियों की तरफ। अच्छा दो गाड़ियाँ मैंने शूट करी हैं, इसमें लास्ट में आप देखिएगा, वो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए करी, ये देखो ये किसी और की थी।